Hello everyone, welcome to the Buddy Bulletin podcast. So today we are here to discuss a very serious topic, a topic that is on the minds of each and every Indian. And not from today, aaj se nahi, jo mudda hamare desh ka sabse bada mudda hai aur ye partitions chalta aa raha hai. Guys, aaj hum baat karne ja rahe hain Jammu and Kashmir ke bare mein. Jammu and Kashmir is at present in a state of alarm. Wahan pe do drones pakde gaye फिलहाल और वो ड्रोन से क्या बमबारी हुई वैभव पुट सम लाइट सो गाइस अभी फिलहाल अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि जम्मू के एयरफोर्स बेस के ऊपर एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है. सो दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड अटैक जो इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है एंड दिस बेसिकली मार्क्स अ न्यू एरा इन वॉरफेयर कि मतलब जहां से तुम ड्रोन से बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हो. तो बेसिकली अभी तक जो हमें न्यूज पता चली है उससे ये आया कि दो ऐसे ड्रोन्स थे विच वर कैरिंग अबाउट 2 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड दे ड्रॉप दीज ऑन द एयरफोर्स बेस इन जम्मू. और इसकी वजह से इट हैज बीन अनफॉर्चुनेट कि इसकी वजह से हमारे दो जवान जो है इंजर हो गए एंड ऑल्सो फॉर्चुनेट कि देर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ. इसे कह सकते हैं कि दिस plan in all was kind of a failure because the intended target also was jo wahan pe IAF ke jo unse helicopters jo park the us time pe they were the intended targets ki unhe blast kiya jaye. So all in all this plan can be considered as a failure but it also marks a new beginning ki kaise kaise India ko jo hai target kiya ja raha hai. बहुत अच्छा पॉइंट वैभव तूने उठाया. मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो ये एयरफोर्स है, एयरफोर्स बेस, ये सिर्फ एयरफोर्स बेस नहीं है, ये एक सिविलियन एयरपोर्ट भी है जो कि वहाँ जम्मू में जो फ्लाइट्स लैंड होती हैं जो दिल्ली से जा रही है या फिर जो सिविलियन यूज के लिए, वो उसके लिए भी यूज किया जाता है. तो ये अगर अटैक सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत बड़े उस पर यह डैमेज होता. दो ड्रोन्स और मिलिट्री को फाउंड हुए हैं. नाम है कालूचक एयरफोर्स के एयरफोर्स स्टेशन के पास कालूचक. दो ड्रोन्स और मिले हैं और उसपे मिलिट्री ने ओपन फायर किया है. वो ड्रोन्स जैसे ही ओपन फायर हुए हैं तो वो ड्रोन्स मतलब के लॉस्ट हो गए. उन्होंने अपना रास्ता मुड़ गया, उनका उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया. सो वो काफी उनको लोग एक्टिव कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी वो है कि इनमें शायद कैमरे लगे हों और ये शायद हमारे मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन की वर्किंग देखें और देखें क्या इक्विपमेंट्स और क्या वो. और यही नहीं, पीछे अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि ऐसा कम से कम पिछले 3 महीने से होता जा रहा है कि ड्रोन से पिछले 3 महीने में हथियार और ड्रग्स और बहुत सी चीजें ऐसी जो आतंकी चीजें हैं ऐसी पाई जा रही हैं, काफी ऐसे पकड़े जा रहे हैं. पिछले 3 महीने में ऐसे 3 से 4 केसेस आ चुके हैं. तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज होगी, इसको कंट्रोल कैसे करना और इस पे कैसे इसको एक टेक्नोलॉजी ऐसी लाई जाए कि ये इस चीज को कन्वर्ट कंट्रोल कर पाए. पर कुंवर बात पता है क्या है, ये जो अटैक्स जो है ना, अगर मतलब जिस हिसाब से सिचुएशन, ये पहली बार तो नहीं हो रहे हैं कश्मीर में, मतलब ये सालों से चलते आ रहे हैं. और एक प्रॉब्लम इस चीज की ये है कि ये इन फ्यूचर बढ़ते ही रहेंगे जब तक हमारी सरकार को एक सोल्यूशन नहीं ढूंढती है. तो मतलब बट जजिंग क्या रीजन है ओवर द इयर्स जो है ऐसे अटैक्स जो है सिर्फ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इतना ज्यादा क्यों है? अक्षित, कैन यू प्लीज टेल अस? तो अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करते हैं पहले कि आज प्रेजेंट में सिचुएशन चल क्या रही है, फिर हिस्ट्री में जाते हैं. तो प्रेजेंट के अंदर अगर मैं जम्मू की तरफ बात करूं, जम्मू में कोई इतना ज्यादा अनरेस्ट नहीं है, वहां पे माहौल ठीक है. ये हमारे एक दोस्त है तो हमने उससे बात करी, वो जम्मू में रहता है, तो उसने हमको ये चीज बताई कि वहां पे कितना जो सिचुएशन ठीक है. क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री है वहां पे कितनी हैवीली डिप्लॉयड है और लोग उनके ऊपर विश्वास रखते हैं. नाउ कमिंग बैक टू कश्मीर, कश्मीर और जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग सिटीज हैं और उधर दोनों अलग अलग माहौल है. पहले तो ये मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा, जो कश्मीर के अंदर स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट श्रीनगर, वहां पे हम मोस्टली जितने भी ये सुनते हैं कि यहाँ पे आज मिलिटेंट्स ने अटैक किया, ये मिलिटेंट्स ने पत्थरबाजी करी, या फिर अभी एक आज की ही एक खबर है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO को मार दिया गया मिलिटेंट्स के हाथ.
ठीक है, तो पूरी फैमिली को मार दिया गया उनकी, उनके घर के अंदर जाके पूरी फैमिली पे अटैक किया गया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की एक, उनका नाम था फैज अहमद, और उनका जो बेटा है अभी वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है। पूरी बिल्कुल, ये फैमिली, एक डॉटर, एक उनकी वाइफ, और उनको फैज अहमद को खुद। तो इसका जो कारण है वो ये है कि जो आसपास के जो छोटी छोटी जो विलेजेस है वहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना ज्यादा इजी है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, एक मैं सिर्फ कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर अनरेस्ट जो पैदा करना चाहती है वो श्रीनगर से करती है, और वो आसपास के जितने भी गांव है वहां पे जाके, क्योंकि जो अगर मैं बात करूं आजाद कश्मीर और मैं बात करूं गिलगित और बाल्टिस्तान, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, जो कि हमारा कश्मीर है, और गिलगित बाल्टिस्तान तो अभी पीओके हुआ, वो तो कश्मीर, वो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करा हुआ, वो है वैसे इंडिया की ही टेरिटरी। तो वहां से मूवमेंट करनी जो है बहुत इजी है मिलिटेंट्स के लिए, वो जब अंदर आते हैं वो जाके ऐसी फीलिंग्स और ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं जो यंग पॉपुलेशन है वहां की, उनका जब माइंड चेंज होता है तब वो जाके अटैक करना, मतलब मिलिटेंट्स कन्वर्ट होते हैं, और यही मेन सोर्स ऑफ टेररिज्म भी है, इन्फ्लुएंस करना। तो ये मैंने चीज देखी, और अगर मैं तो इससे इसमें काफी इम्पैक्ट जो है ना, इससे काफी इम्पैक्ट जो अक्षय तुमने बताया, इन सब चीजों से ना काफी इम्पैक्ट इस लोगों के लाइफ पे वहां बहुत पड़ रहा है, और लोगों की लाइफ से साथ इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, और उनसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां की जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है। स्टूडेंट पॉपुलेशन पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत गंभीर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनी ऑफ यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट इट? टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट पॉपुलेशन ओवर देयर, ये देखो यार, स्टूडेंट्स यार इनोसेंट, वी वर ऑल्सो स्टूडेंट, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स यार। हम अगर जज करें हमारे व्यू पॉइंट कैसे हैं, वी आर स्टिल इन आर अर्ली, मतलब अर्ली स्टेजेस, हम जो ग्रिप, वो अभी भी ग्रिप कर रहे हैं रियलिटी की, मतलब उनकी बेचारों की क्या गलती जो इतना सराउंड हो गए हैं। और अगर इन जनरल एक टिपिकल स्टूडेंट की बात करें, वहां पे स्कूल्स तो देखो सबसे पहले इनडेफिनेटली सस्पेंडेड है, ठीक है, और जो एक स्टूडेंट है वो पहले तो देखो पढ़ नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर उनका सोचो जो स्कूल जा ही नहीं पाए पता नहीं कितने सालों से। और जो एक, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं वहां के स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है दैट दे आर, वो परेशान है उन्हें कि, और एक डायलेमा में है, क्योंकि जो उनसे जो अमीर लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, बट जो उनसे जो नहीं जा पाते वो रह के वहां परेशान है कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर ये चीज ना एक बहुत वो है कि एक चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिससे ना तुम सम अप नहीं कर सकते, दिस इज काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स कि स्कूल्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एन इजी टारगेट, कि अगर स्कूल्स खुल गए उन्हें अटैक करना कितना इजी है, क्योंकि दे आर नॉट हेविली सिक्योर्ड, ठीक है, और अगर स्कूल्स नहीं बिल्कुल खुलते बिल्कुल हैं तो बच्चे कितने परेशान होते हैं, उनकी उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं जो कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स में सेम एज के बच्चों को मिलती है, तो उससे उनका फ्यूचर भी डिस्टर्ब हो रहा है। और उसी अनएजुकेटेड क्लास और फ्री माइंड्स को इन्फ्लुएंस करना कितना आसान है, उसको इन्फ्लुएंस करना इन लोगों के, इन टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, वो जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं उतना इन्फ्लुएंस करना कितना आसान है। तो इस चीज के पीछे एक सारा प्रोसेस है जो गलत होता आ रहा है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि इट्स इन द रूट्स, जो जो होता आ रहा है वो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर हम इसके पीछे की, यू नो गाइस, अगर हम इसके पीछे के मुद्दे की बात करें, तो 24 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे मीटिंग करी कश्मीर में, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग थी कि कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी से स्टेट में बदलाया जा रहा है, उसके लिए काफी वो, उसके लिए रिगार्डिंग मीटिंग थी, ठीक है। तो रिपोर्ट्स आ रही है कि जब से 24 जुलाई से वो मीटिंग हुई है उसके बाद से कश्मीर में हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, काफी जगह पे, काफी काफी रीजन्स में, ठीक है, बॉम्बारी भी हो रही है काफी रीजन्स में, और फिर से एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गई है कश्मीर में। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, अगर मैं कब बात करूं तो ये जब से आर्टिकल 370, बैक फ्रॉम देन, तब से ऐसे के इंसिडेंट्स चलते आ रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर के लोग थे ना, वो कश्मीर, वो एक इंडिपेंडेंस, वो उसको एंजॉय कर रहे थे, उनको एक जो स्पेशल वो दिया जाता था ना दर्जा, उसको एंजॉय कर रहे थे, तो
रूल से कि कोई बाहर का जो भी है वो वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता, जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट अलग से ट्रीट किया जाता था, उसके अलग लॉस थे, अलग थे, पर जब से गवर्नमेंट ने 370 हटा दिया और सबको उनको कर दिया, तो कश्मीर में काफी ग्रुप्स हैं ऐसे जिनको ये चीज पसंद नहीं है, जिनको अपने ऐसे लगता है कि अब वो गुलाम बन गए, जिनको अपने इंडिपेंडेंस हार्म होगी लगती है इस चीज से। तो इस करके जो वो थॉट्स है ना जो प्रवोक हुए हुए हैं, वो थॉट प्रवोक होने वो जन्म दे रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को। इस अगर मैं ये ड्रोन अटैक की बात करूं, तो ड्रोन अटैक का एक बहुत बड़ा फैक्ट था जो हम शायद मिस कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक जो हुआ ना एयरफोर्स स्टेशन पे, तो एयरफोर्स स्टेशन से जो नियरेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर था ना वो था 12 से 15 किलोमीटर। कश्मीर के आईजी ने तो कह दिया कि ये पाकिस्तान से आया है, ठीक है, पाकिस्तान से बमबारी हुई है, पर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था ना वहां से जो बॉर्डर था वो था 12 से 15, ठीक है। और एक इसकी रिपोर्ट अभी फिलहाल आई है कि जो ये ड्रोन था, ये ड्रोन लॉन्च किया गया था, जितना उन्होंने रडार में पकड़ा और जितना पकड़ा गया कि ड्रोन लॉन्च किया था 5 किलोमीटर के दायरे के बीच। तो इन रिपोर्ट से जो भी पक्की नहीं है पर आ रही है, इन रिपोर्ट से ये भी माना जा सकता है कि ये पाकिस्तान से तो नहीं आई गई कहीं, या तो मिलिटेंट ग्रुप्स में से आई है या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप्स और बन रहे हैं उनमें से कहीं से आ रही। तो इस चीज को ट्रीट करना, इस चीज को संभालना वहां की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर सेंटिमेंट्स उनके चल रहे हैं इस टाइम पे। तो देयर इज अ स्पेकुलेशन कि जो ड्रोन आया था वो इंडियन टेरिटरी से ही ऑपरेट हुआ था, तो देयर इज अ फेयरली वेल चांस कि कितने इन्फ्लक्स में जो टेररिस्ट क्या हुआ था बॉर्डर्स क्रॉस करके ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी में आ चुके हों, कितने ऑलरेडी वहां पे घूम रहे हों, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। सो गाइस इसका अगर मैं बात करूं तो इसको, इन चीजों को रिजोल्व करने के लिए ना एक इन चीजों को रिजोल्व करने के लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे आना पड़ेगा। हर ग्रुप को एक ऐसी गवर्नमेंट को ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि हर ग्रुप सेटिस्फाइड रहे उससे, और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आना पड़ेगा। और ये चीज हो पाएगी अगर अच्छे लीडर्स आए जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसे वो चीजें ऐसी इंप्लीमेंटेशन हो कि उन लोगों को वो ना फील हो कि वो यू नो साइडलाइन किया जा रहा है उनको। दे नीड अ मिडल ग्राउंड कि जो कश्मीरीज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों समझे कि हमको एक उस पे आना है, एक मिडल ग्राउंड पे आना है, तभी हम एज अ एक इंडियन स्टेट या एज अ इंडियन यूनियन टेरिटरी आगे वर्क कर सकते। तो जैसे कि अक्षित ने कहा कि दे हैव टू बी एट अ कॉमन ग्राउंड, तो वो एक कॉमन ग्राउंड उस चीज से प्रोवाइड करने, एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करने का सबसे बेसिक तरीका है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ना उनमें एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड डालना कि वी आर इंडियंस, ताकि जो उनके अंदर की जितनी भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे, पहले वो तो एलिमिनेट हो, अगर एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड आएगी तो दैट वुड बी अ वेरी गुड कॉमन ग्राउंड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। यस वैभव, वेरी राइटली सेड, यू नो कि अगर वहां पे इलेक्शंस भी होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग ऐसे हैं कि वो हमारी मिलिट्री को भी इंफीरियर समझते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कई लोगों की तो ऐसी है कि उनको अपना एक अलग से, उन्होंने अपना फ्लैग, अपना एक अलग जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल अलग समझते हैं, अलग नेशन। तो एक नेशनैलिटी की प्राइड आना, वैभव वेरी राइटली सेड, वो चीज इसको जरूर सॉल्व कर सकती है। सो गाइज दिस वॉज द बड़ी बुलेटिन स्टेक ऑन वॉट इज हैपनिंग इन कश्मीर एंड हाउ दीज थिंग्स कैन बी रिजॉल्व। सो इफ यू लाइक द पॉडकास्ट डू लाइक अवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक द पॉडकास्ट इफ यू लाइक्ड इट।